हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में, और उसके माध्यम से हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप ये वीडियो अगर नहीं देखा है, एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी ये चैप्टर 5 है आपको मैं जो सिखाने वाला हूँ, आयरन फ्लाई। सो चैप्टर 4, 3, 2, 1 कैसा है यहाँ पे इस वीडियो में देखिए फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 चैप्टर मैंने वीडियो बनाया है। सो आप ये सब देखिए, और अगर आपको इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेना है तो ये वीडियो जरूर देखिए, सीक्रेट ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें पिवट पॉइंट, CPR, VWAP और MACD कैसे अप्लाई करता है और उसके माध्यम से हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस वीडियो में पूरा मैंने डिस्कस किया हो। अगर आपको आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फ्रेंड्स, लिंक के माध्यम से अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्रोग्राम भी पाइए और साथ ही 199 का कैशबैक भी पाइए फ्रेंड्स। ओके, चलो चलते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में, ठीक है, ऑप्शन डिफाइंड, इसमें आप यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। सो इसके माध्यम से हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे ये सब मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको फुल स्ट्रेटजी सीखना है तो हमें संपर्क जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें संपर्क कीजिए। और यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आयरन फ्लाई कैसे बिल्ड करते हैं और उसके माध्यम से हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल्स और यहाँ पे प्राइस एक्शन के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पिवट पॉइंट, CPRs और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट दो S1, S2, R1, R2, ठीक है। और ये जो बीच में ब्लू कलर और पिंक कलर का जो लाइन दिख रहा है ये CPR है, ठीक है, अपर पिवट लोअर पिवट। सो हम यहाँ पे इस इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप नए हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए उससे पहले हम यहाँ पे आप सीक्रेट ऑफ इंडिकेटर्स का ये वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये सब इंडिकेटर्स क्या है और कैसे अप्लाई होता है और कैसे यहाँ पे प्रॉफिट कमाने को हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी जो लेवल्स लगा के रखा हो, सो पिछले लास्ट फ्राइडे की थी, यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी बहुत कम हुआ था, 300 पॉइंट के बीच में यहाँ पे वॉलेटिलिटी हुआ था। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट 2 वीक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंडिंग आ चुका है, देखिए ये ट्रायंगल बन चुका है, डेफिनेटली ये अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कितना अपसाइड मोमेंटम सोच रहे उसके हिसाब से हम यहाँ पे आयरन फ्लाई बिल्ड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमारा रेंज बाउंड जो है 35,300 और नीचे की तरफ 33,900, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 33,900 हमें बिल्ड करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 33,900, ठीक है, आयरन फ्लाई। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आयरन फ्लाई यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेंज है 34,700, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है 34,576 के पास मार्केट क्लोज हुआ, तो यहाँ पे 34,700 लिया है तो अपन यहाँ पे 34,600 लेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉल पुट दोनों यहाँ पे शॉर्ट करेंगे आयरन फ्लाई में, यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट आयरन फ्लाई है, शॉर्ट स्प्रेड हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे, यहाँ पे दोनों 34,600 दोनों यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और नीचे की तरफ 33,900, ठीक है। हमारा रेंज बाउंड क्या है 33,900 और 35,300, बराबर। सो हमारा ये रेंज बाउंड है तो उसके लिए हम यहाँ पे दोनों पुट कॉल का यहाँ पे हम बाई करके रखेंगे। सो हमारा एक्सपायरी क्या रहेगा, 5 अगस्त 2021 का एक्सपायरी रहेगा और यहाँ पे शॉर्ट आयरन फ्लाई यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड शॉर्ट आयरन फ्लाई
जिसे ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए हमें मार्जिन कितना लग रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन 57,000 अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, और यहाँ पे ब्रेक इवन 34,164 और 35,036, सो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मार्केट इसी रेंज बॉन्ड में आने आने वाले वीक, आने वाले हफ्ते में अगर ऐसा ही चलेगा तो डेफिनेटली हमें ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। कितना प्रॉफिट आ सकता है, 10,880, लगभग 19% यहाँ पे आ सकता है, और मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है 66,000, सो हमारा 1:1 लगभग 1.65 रेशियो के हिसाब से आरआर रेशियो है। सो इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, सो मार्केट में अगर यही रेंज बॉन्ड में आने वाले दिनों में चलता है फिफ्थ अगस्त एक्सपायरी तक यहाँ तक चलता है, तो डेफिनेटली हमें 10,880 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। सो ये है आयरन, इसका यहाँ पे ऑफ चार्ट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक इवन देखिए 34,176, मैंने आपको बताया यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट है ये दोनों के बीच के हिसाब से, ठीक है। ये हमें पे ऑफ चार्ट भी देखना जरूरी है, और उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है 41%, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,880, और मैक्सिमम लॉस 6,600, ठीक है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है यहाँ पे 34,160 और 35,036, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन कितना लग रहा है 56,800 एक लॉट पे, ठीक है। हम यहाँ पे आयरन फ्लाई शॉर्ट आयरन फ्लाई कैसे यूज किया है, हम इस ऑप्शनल बिल्डर के साथ हम यहाँ पे सीख चुके हैं, ओके। अगर वही हम यहाँ पे रेंज बॉन्ड अगर देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम ट्रेंड कल के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ से डेफिनेटली गैप अप गैप डाउन हो सकता है, अगर हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आयरन शॉर्ट आयरन फ्लाई यूज कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो जरूर देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, ठीक है। उसके बाद ये अभी जो वीडियो बना है चैप्टर 5 शॉर्ट आयरन फ्लाई कैसे यूज करता है, उसके माध्यम से हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह बता दिया है, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानना है तो डेफिनेटली ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में, अपस्टॉक्स में, एडलविस में, चॉइस कनेक्ट में, एसी अग्रवाल में, ट्रेड बुल्स में, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, और मैंने उसका डेमो भी मैंने यहाँ पे बता दिया हो, डेमो के माध्यम से आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके साथ आपको 199 का कैशबैक भी मिलेगा हमारे तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आने वाले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर।